सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है पल्सर 125 BS6 2023 बेस मॉडल। लाइक सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा सिंपल मॉडल है ये जो बजाज की तरफ से निकली है इस साल। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे LK ऑटो शोरूम, बजाज शोरूम रुपनपुर, जिन्होंने हेल्प की गाड़ी प्रोवाइड करने में। तो अगर आपको बजाज की कोई भी ऑफरिंग देखनी है ना, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, फिर गो टू शोरूम में है वो लोग। चलिए शुरू करते हैं। She gets a bite, you better run, you better hide, better pray that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary when she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round, and ain't no telling what she might do next. 'Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come. तो शुरू करने के वजह से बात करना चाहेंगे आपसे कि मतलब इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? तो मेरे को तो भाई याद आ रहा है। लाइक जब हम लोग 2017 में 11th में थे, तब हम लोगों को उस समय बाइक का बहुत क्रेज़ था, घर से गाड़ी मिलती नहीं थी भाई, ठीक है ना। तो उस समय हमारे एक फ्रेंड ने 2010 की पल्सर ली थी, लाइक सेकेंड हैंड ली थी हमने उस समय। तो उस समय वो जो ब्लैक वाली आती ना, फुल ब्लैक, वो उसका इंजन सिल्वर में था और कुछ कुछ क्रोम पार्ट्स थे, बाकी ऊपर का डिज़ाइन जितना था वो सब था, एलिमेंट वगैरह कॉस्मेटिक चीज वो सारे के सारे ब्लैकआउट थे, ठीक है। तो वो 10 वाली मॉडल थी हम लोग के पास। तो उससे हम लोग ने मतलब बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, बहुत गेड़ी मारी है। 150 थी उस समय, तो 125 आती नहीं थी। तो वो है, तो उसी डिज़ाइन में लैंग्वेज में फिर से हमारे पास आ गई है सेम बाइक। इंजन में चेंज है हालांकि, मॉडल में भी चेंज है, लेकिन अगर लुक्स वाइज बात की जाए तो भाई बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हमें मुझे फील हो रहा है। मतलब आपको भी फील हो ही रहा होगा जब उसको देख रहे होंगे, लाइक वही बेसिक पुराना सा डिज़ाइन जो शुरू से चला आ रहा है, ठीक है ना। और अभी भी कुछ ओल्ड नहीं लग रही, कुछ पुरानी से नहीं लग रही, काफ़ी नॉस्टैल्जिक लग रही है मेरे को तो, और काफ़ी मस्त लग रही है भाई। लाइक अभी भी इसको देख के ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सारी मेमोरीज जो हैं वो एक बार में ऐसे फ्लैशबैक की तरह वापस आ रही हैं, तो उस तरह का फील हो रहा है। मतलब भाई किसकी मेमोरीज़ नहीं होगी इसके साथ, ठीक है ना। मतलब बहुत लोगों के पास ये बाइक है, अगर आपके पास नहीं तो आपके किसी ना किसी दोस्त के पास पल्सर 150 होगी ही, तो उसके साथ आपने कितनी सारी मेमोरीज़ बनाई होंगी। तो ऐसा नहीं है, नॉस्टैल्जिक फील दे रही है मुझे, आप लोगों को भी दे ही रही होगी फॉर श्योर। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये मतलब पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट है, ठीक है। आपको क्रोम पार्ट्स बहुत कम मिलेंगे, लाइक देखिए इंजन ब्लैकआउट है, साइलेंसर वगैरह जो भी है सब ब्लैक्ड आउट है, अलॉयज वगैरह ब्लैक्ड आउट है, क्रोम पार्ट्स बहुत कम यूज़ किए हुए हैं, सारे सारे ब्लैक्ड हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना भाई, मतलब वो तो शानदार है, धमाकेदार है, और उसका जो स्पेक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर सामने से बात की जाए, सामने से हमें वही सब बल्कि सा फेस मिलता है जैसा कि हमें पल्सर में देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ बात की जाए तो हमें पायलट ट्रम्स देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमें हेडलाइट देखने मिल जाती है। ये LED नहीं है, हैलोजन सेटअप में आता है, मतलब ये ऑल हैलोजन है, कहीं पे भी LED यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ ब्लैक बैकलाइट जो आपको मिलेगी वो LED होगी। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, पायलट लैम्प्स भी, इंडिकेटर्स भी हैलोजन है। एक बात और है इस बाइक के साथ कि मतलब बजाज ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की हुई है। लाइक जैसा कि आप देखिए, अलॉयज भी जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो नए डिज़ाइन के अलॉयज हैं। देखिए काफ़ी स्लीक से, काफ़ी सिंपल से लग रहे हैं, काफ़ी मस्त लग रहे हैं मुझे तो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, ठीक है, एकदम नया डिज़ाइन है, ब्लैक आउट है, यहाँ पर रेड रंग की फिनिश हमें मिल जाती है थोड़ी सी। उसकी अगर बात की जाए फ्रंट टायर की ना, तो फ्रंट में हमें 80x100 17 इंच का टायर मिलता है। बात की अगर फ्रंट डिस्क की, तो हमें यहाँ पर 240 का डिस्क मिलता है। लाइक यहाँ पर फ्रंट में डिस्क है और पीछे में ड्रम है, ABS नहीं है इसमें, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हालांकि बजाज इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की हुई है, और इसका प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए अगर, तो इसमें डिस्क और ड्रम मिल रही है हमें। अगर इधर देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे, वो जो है इसका इंजन कॉइल, ठीक है। तो उसमें बजाज ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, तो उसका जो इंजन कॉइल है वो यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन अगर आप उसको लेंगे तो अराउंड 1000 rupees का आपको खर्चा आएगा, इंजन कॉइल उसमें आप इजीली फिट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसका जो इंजन है वो है 24.4 cc का FI एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 11.64 PS एंड 10.8 Nm का टॉर्क। और जो इसका वेट है ना, वो है अराउंड 140 kg। तो उस हिसाब से पावर टू वेट रेशियो की बात की जाए ना, तो काफ़ी लीनियर सा पावर प्रोड्यूस कर रही है, काफ़ी अच्छा लग रही है। लाइक चला के ना आपको फील नहीं होगा कि ये 125 cc की बाइक है। उसका तो पीछे से अगर बात की जाए, तो पीछे से कुछ इस तरह का लुक लग रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। इसका जो ब्लैक आउट साइलेंसर है ना, वो सबसे मस्त लग रहा है मेरे को। लाइक ये सबसे ज़्यादा नोटिसेबल थिंग है जो गाड़ी में है, बहुत सुंदर लग रही है, वो भी कार्बन में, लाइक कार्बन ब्लैक में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टायर अगर हमें देखने मिल जाता है, पीछे का जो टायर है वो है अराउंड
100x80 17 सेक्शन के टायर, ठीक है ना। और इसका जो अलॉय है वही सेम अलॉय है जो हमें आगे देखने मिलता है न्यू डिज़ाइन वाला, ठीक है। और हल्का सा वो रेड स्टिकर का टच जो है पीछे में 130mm की ड्रम सेट मिलती है, डिस्क वगैरह नहीं है इसमें, तो काफ़ी बेसिक सा है, काफ़ी सिंपल सा है। इधर से अगर बात की जाए ना तो वही आइकॉनिक डिज़ाइन है जो शुरू से हमें मिलता आ रहा है, देख सकते हैं आप कोई चेंज नहीं है भाई। सामने एक छोटा सा रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर्स, बैकलाइट काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी। इट साइड से अगर देखेंगे ना तो BS6 नॉर्म्स के अनुसार हमें यहाँ पे साड़ी का देखने मिल जाता है, साथ ही साथ में लेडीज़ फुटर्स भी देखने मिल जाती है। चेन इसमें ध्यान देने वाली बात है क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है काफ़ी मतलब बेसिक सी है, पॉकेट फ्रेंडली सी है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं किया कंपनी ने कि आप लेने के बाद आपके खर्चे लग जाएँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पर चेन गार्ड देखने मिल जाता है, चेन की मेंटेनेंस एकदम ख़त्म सी हो जाती है, बहुत कम आपको मेंटेनेंस करनी होगी चेन की, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इधर अगर बात की जाए तो हमें 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, उसमें 2+ हिल शिफ्टर मिलते हैं हमें, और साथ ही साथ में हमें इंजन कट ऑफ सेंसर देखने मिल जाता है साइड स्टैंड में। उसके अगर बात की जाए सीट्स की ना तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रिपी सा है, और एरिया जो है ना काफ़ी फुल फील्ड सी है, जैसे इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हुए, लाइक लेंथ विथ जो गाड़ी की थी शुरू से वही है, छोटी नहीं की हुई है, एकदम मस्त लग रही है। साइज़ भी काफ़ी इनफ है, आप देख सकते हैं, ना पिलियन को ना राइडर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्रैब रेल्स भी हमें वही पुरानी डिजाइन के मिल जाते हैं, स्लीक से सिंपल से, ये ब्लैक्ड आउट हो चुके हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं मुझे। टैंक की अगर बात की जाए तो हमें 12 लीटर का टैंक मिलता है, टैंक में भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ जो है ब्लैक्ड आउट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है हमें FI इंजन मिलता है भाई, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके मीटर की तरफ, मीटर भी सबसे ज़्यादा नया वाला अपडेटेड वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो वही एनालॉग प्लस डिजिटल का हमें यहाँ पे कंसोल देखने मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमें टैकोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ए मिल जाती है, ट्रिप बी मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ ही साथ हमें इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी लाइक और कितने किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी वो भी देखने मिल जाती है, और साथ में रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी भी देखने इसमें मिल जाता है। तो अगर प्राइस के हिसाब से कंसिडर करेंगे ना तो इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस मतलब नहीं मिलती किसी गाड़ी में, तो एक बात है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इंडिकेटर का साइन देखने मिल जाता है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम का, यहाँ पे न्यूट्रल का, और यहाँ पे इंजन ऑयल फंक्शन का। अगर बात की जाए कि स्विच की क्वालिटीज़ की ना तो स्विच की क्वालिटीज़ भी वैसे ही है जैसे हमें देखने मिलती है पल्सर में, इसमें भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, काफ़ी सिंपल सी है जैसी रहती है। यहाँ पे हमें पास का स्विच देखने मिल जाता है, यहाँ पे हमें हाई और लो मतलब अपर एंड डिपर, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न सिंगल हॉर्न मिलता है इसमें, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं किल स्विच, और यहाँ पे हमें मिलता है सेल्फ स्टार्ट का बटन। मिरर्स की बात की जाए तो चंकी सी मोटी सी हमें मिरर्स देखने मिल जाती हैं, तो इसका जो बैक व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बल्क मतलब क्लियर सा है, आपको दिक्कत नहीं होगी बैक व्यू में। तो आइए पहले इसका एग्जॉस्ट में सुन लेते हैं। कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है, प्लस आई थिंक थोड़ा सा बेसी हो गया। चलिए अब इसका इनिशियल टेस्ट करते हैं। अरे गाड़ी का मीटर चालू नहीं, अगर चालू होता तो कुछ नहीं तो आराम से ये 90 पे गई थी, अभी उससे कम तो नहीं ही होगी, ठीक है। जिस तरह से चल रही थी आराम से ही 90 गई होगी है फॉर श्योर, ठीक है। और भी फिफ्थ गियर भी जस्ट लगाए ही थे। तो भाई इनिशियल की अगर बात की जाए ना तो इनिशियल काफ़ी अच्छा है इसका, इनिशियल पे आपको सच में नहीं फील होगा कि आप कोई 125cc की बाइक चला रहे हैं। मिड की अगर बात की जाए इसका मिड भी काफ़ी अच्छा है, हाँ टॉप थोड़ा सा लेट पकड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये टॉप के लिए बनी नहीं है। द थिंग इसकी 125cc है तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई गई कि हाँ 125cc है, तो टॉप उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप मिड और इनिशियल से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा फील देगी, आपको एक अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात की जाए इसके इंजन की ना तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेफ फ्री है, मतलब देख सकते हैं आप तुरंत रेड लाइन पकड़ ले रही है गाड़ी।
ये एक चीज़ है, मतलब ठीक है भाई, अच्छी है, अच्छी चल रही है। रिफाइनमेंट की अगर बात की जाए ना, तो ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिफाइनमेंट की अगर बात करनी है तो रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। अगर वाइब्रेशंस की बात करेंगे ना, तो वो हल्की हल्की है, ठीक है, लेकिन वो एज सच आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी और आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगी। वो हल्की फुल्की सी है, वो भी सिर्फ फुट पैक्स पे है, आपको हैंडल्स पे वो चीज़ नहीं फील होगी, ना ही टैंक पे वो चीज़ आपको फील होगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और भाई मतलब जिस तरह से सिटिंग है ना, एकदम मतलब नॉस्टैल्जिक फील आ रहा है। ये चीज़, ये जो एरिया है ना आपका, ये एरिया आपको एकदम नॉस्टैल्जिक सा फील देगा। एकदम आप चले जाओगे उस समय जिस समय आप इसके साथ गेड़ी मारते थे, ठीक है। लाइक मैं भी 2017 में पहुँच गया, ऐसे हम लोग इसी यही समय हुआ करता था, शाम के समय हम लोग निकलते थे उसकी बाइक पे। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए ना, तो हमें यहाँ पे 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। उस हिसाब से नॉर्मली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप ऑफ रोड में भी चल रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है इसका, ठीक है, मतलब स्टिफर साइड पे है, आगे वाला, पीछे वाला नहीं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। उससे आपको हैंडलिंग काफ़ी अच्छा मिलेगा, मनूवरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हैंडलिंग एज मुझे जो लग रही है, अगर थोड़ी सी और सॉफ्ट होती ना सामने वाली, तो वो और अच्छा रहता। स्टिफ होने की वजह से हैंडलिंग नो डाउट की काफ़ी अच्छी हो जा रही है, लेकिन थोड़ा सा कम्फर्ट जो है ना वो मिस हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही मुझे मतलब हार्ड लगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर सीट की बात की जाए ना, तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, वो तो नो डाउट, स्पेस इनफ दिया हुआ है पिलियन के लिए भी, साथ ही साथ राइडर के लिए भी। और अगर क्लच की बात की जाए, तो क्लच मतलब सॉफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन हार्ड भी नहीं करेंगे, मीडियम पे है, ठीक है। अगर गियर बॉक्स की बात की जाए, तो 5 speed का गियर बॉक्स है इसमें, और गियर बॉक्स भी काफ़ी प्रिसाइज सा है, मतलब एक क्लिक फील होती है, ठीक है ना, और ज़्यादा दम नहीं लगता, एकदम भी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी आपको दम लगानी पड़ेगी। और 2 and heel शिफ्टर मिलता है इसमें आपको, तो वो एक चीज़ है इसमें, आपको एक क्लिक सा फील हो जाएगा जब आपकी गियर चेंज होगी। और अगर मल्टीपल डाउन शिफ्ट करने पे भी ना, आपको ऐसे फॉल्स गियर नहीं लगेंगे, मतलब ये एक चीज़ है जो मैंने जाते समय ध्यान दी थी। मल्टीपल डाउन शिफ्ट मैंने करके दिखाए थे उस समय, मतलब देखा था उस समय, देख सकते हैं आप, 1 नंबर पहुँच गई, 4 नंबर पहुँच गई, एक्चुअली सॉरी 5 नंबर पहुँच गई, हाँ। तो ये एक चीज़ है, एक बार में चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई एंड टॉर्क है थोड़ा सा इसका, मतलब टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से दे रहा है पावर, तो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी देखिए 4 नंबर पे हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम 5 पे भी कर देते हैं ना, तब भी देखिए हल्की सी नॉइज़ क्रिएट हो रही है चेन के तरफ से, लेकिन एज सच कोई दिक्कत नहीं है चलने में, ठीक है। बात की अगर ब्रेक्स की ना, तो हमें यहाँ पे आगे डिस्क मिलती है, पीछे ड्रम मिलता है, एकदम बेसिक सी है। तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे, तो पीछे की बात करते हैं। पीछे वाले की बाइट अच्छी है, फीडबैक भी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर उतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे। ड्रम है, ड्रम से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा टाइट रहती तो वो भी एक बात रहती, तो इसे टाइट करानी पड़ेगी, तो इसे ढीली सी फील हुई मुझे। सामने की ब्रेक की अगर बात की जाए, स्किट नहीं हुई भाई, मतलब ABS नहीं होने के बावजूद स्किट नहीं हुई, क्योंकि इसमें CBS है, ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ है, CBS होने की वजह से क्या है कि आगे पीछे एक साथ ब्रेक्स लग रहे हैं, उस वजह से गाड़ी स्लिप नहीं हो रही है, तो ये एक चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैनूवरिंग की अगर बात करें ना, तो शुरू से जो चलती आ रही है ना डिज़ाइन लैंग्वेज, वही है, और मुझे जो फील हो रहा है कि पहले से हैंडलिंग अच्छा हो गया है, तो ये भी एक चीज़ है इसके साथ। काफ़ी गाड़ी हल्की हो चुकी है, ओनली 140 kg की बाइक है ये, तो उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे ना कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो भाई ऑफकोर्स लेनी चाहिए, 1,03,000 में ये गाड़ी घर आ जा रही है। अभी के समय में अगर आप देखेंगे गाड़ी का रेट जिस तरह से भागा हुआ है, तो उस हिसाब से 1,00,000 में ये गाड़ी घर आ रही है, वही बहुत बड़ी बात है। लाइक अगर आप कोई स्कूटी लेने जाओ ना, तो जैसे मान लो डीओ को ही ले लिए, 110 सीसी की है वो, 125 की भी नहीं है, 110 सीसी की बाइक से कंपेयर कर रहे हैं अगर इसको, स्कूटी से वो भी, वो 95 की आ रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, काफ़ी बजट पे है, ठीक है। उस हिसाब से माइलेज भी काफ़ी अच्छा है,
आप इससे अराउंड 50 to 55 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे चलाएंगे आप उस पर डिपेंड करता है वो चीज़। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसकी हैंडलिंग कुछ इस तरह की है, बिना पैर रखे इतने छोटे से एरिया में मैंने घुमा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जिस प्राइस पॉइंट पर आ रही है ना, उस हिसाब से सब कुछ अच्छा लगा मुझे। लाइक 1 लाख में गाड़ी नहीं मिल रही है आजकल, 1 लाख में आपको बाइक मिल जा रही है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, साथ में पल्सर का ब्रांडिंग, साथ में ये फील, मतलब ये फील 125 cc का इंजन के, ये फील तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। 125 cc इंजन मत देखिए आप, आपको फील ही नहीं होगा आप 125 चला रहे हैं आप। आपको जब इसको, अगर आपको नहीं विश्वास है ना, तो आप आइए टेस्ट राइड लेके देखिए, आपको तब समझ में आएगा। जिस तरह से बाइक चल रही है ना, आप बोलेंगे नहीं 125 है। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंस देखिए, आप इसका इनिशियल देखिए, इसका वर्क देखिए आप। लाइक अगर आप रेगुलर चलाना चाह रहे हैं, आपको एक स्पोर्टियर बाइक चाहिए। लाइक अगर आप कोई स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग पर्सन है, ठीक है, आपको एक बाइक चाहिए जो आपको पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो मतलब बजट में भी रहे, साथ ही साथ में आपका मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना कराए, तो इस हिसाब से ये बाइक मुझे काफ़ी सही लगी। काफ़ी बेसिक सी है, सिंपल सी है, ठीक है। अगर कभी कभी आपको हाईवे हिट भी करना पड़े तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इस पर आप 70 to 80 क्रूज़ कर सकते हैं, जो मुझे फील हो रहा है। आराम से इस पर आप 70 to 80 क्रूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। साथ में इसमें FI मिल रहा है, हालांकि FI आजकल सारी गाड़ी में आ जा रहा है, मतलब अब तो ज़रूरी हो गया है E20 के अनुसार। इसमें FI भी है, तो उस वो भी एक प्लस पॉइंट ही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। 5 सीटर गियरबॉक्स मिल रहा है, इस तरह की रिफाइनमेंट, इस तरह की हैंडलिंग, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। मतलब अगर कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज़ खोज रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से मैं ये कंसिडर करता हूँ आपको एक बार ज़रूर चलानी चाहिए। सो अब बात करते हैं इसका बजट के बारे में, लाइक किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो ये जो बाइक है ये ऑन रोड आपको पड़ रही है 1,03,000 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका लुक्स आप देख सकते हैं, ये लुक्स जो है मतलब नई तो है नहीं, शुरू से चली आ रही है और लोगों को अभी पसंद है, क्योंकि भाई ये लुक्स कभी पुरानी होने भी नहीं वाली, ठीक है ना। ये इस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज इसका जो है, इसका जो मतलब फीचर्स वगैरह जो भी दिया हुआ है, लाइक 1,03,000 में आपको 125 cc का, जिस तरह से इसका रेस्पॉन्स वगैरह है, आपको चला के दिखाया, इसका इनिशियल अच्छा है कितना है, मिड भी अच्छी है, टॉप उतना कुछ खास नहीं, लेकिन आप इसको हाईवे पर लेकर जाइएगा अगर, तो आप इसको आराम से 70 के ऊपर क्रूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप ढंग से चलाएंगे तो इसको अराउंड 50 का आपको माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1,03,000 में ये वर्थ है भाई, मतलब किसी भी एंगल से आप देख लो ये गाड़ी वर्थ है। इसका पिकअप देखो आप, माइलेज देखो आप, इसका इंजन देखो आप, पल्सर की ब्रांडिंग मिल रही है आपको, शुरू से चला हुआ आ रहा गाड़ी है ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कॉस्मेटिक्स में, सारी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कमी कुछ, तो मुझे लग रही है इंजन गार्ड की, तो भी आप 1,000 रुपये खर्च करो वो भी हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसको इजीली इसके साथ जा सकते हो। लाइक अच्छी है भाई, रेगुलर चलाने के लिए अच्छी है। अगर आपको कभी कभी हाईवे जाना भी पड़े ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ये काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी वर्थ लगी। और अगर इसे कंपटीशन से बात की जाए ना, तो इसका जो कंपटीशन है, मतलब स्पोर्ट्स 125 सेगमेंट में एक ही कंपटीशन का बैठता हुआ है, TVS रेडर, ठीक है। उसका भी अगर बेस वॉरियंट में जाइए, बेस मॉडल में अगर जाइएगा, तो वो इससे अराउंड 10,000 रुपये महंगी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, उस हिसाब से उसमें स्पेसिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हैं, फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूज़ कैसा है। मेरे हिसाब से 1,03,000 वर्थ है, किसी भी एंगल से आप देखो। 1 लाख में आजकल स्कूटी नहीं आ रही है घर, आपको ये आ रही है घर, सोचो आप। आइए बात करते हैं इसके ऑफ़र के बारे में, लाइक आपको क्या ऑफ़र इस पर मिलता है LK ऑटो शोरूम की तरफ से। तो इस पर ये जो गाड़ी का प्राइस है वो है अराउंड 1,03,000, और इस पर गोटा गोटा पूरा पूरी 3,000 रुपीज़ का इसमें ऑफ़ मिल जाता है। मतलब अगर आप इसको लेने आते हैं ना, तो मात्र 1,00,000 रुपये में ये आपके घर जाने वाली है ऑन रोड। और इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ना, लाइक मिनिमम डाउन पेमेंट वो है मात्र 15,000 रुपये। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लाइक वो आपका सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मात्र 15,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट है, अगर आप पूरा पूरी देना चाहते हैं तो ये 1,00,000 रुपये में आपके घर आ सकती है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें थी जो LK की तरफ से हमें ऑफ़र मिल रहा है। सो अगर आप चितरंजन, रुपनपुर, सहारनपुर जैसे एरिया से हैं, और आपको बजाज की कोई भी ऑफरिंग देखनी है ना, तो कॉन्टैक्ट करिएगा LK ऑटो एजेंसी को। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। यहाँ पे आपको सारे तरह के ऑफरिंग्स देखने मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं, बड़ी बाइक्स हो गई, छोटी बाइक्स हो गई, सारी की सारी बाइक्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। और बेस्ट इन द मार्केट भी यहाँ पे आपको ऑफर अवेलेबल हो जाएगा। तो कॉल कीजिए, आप फॉर्म बुक कीजिए, फिर शोरूम आइए एंड चेकआउट कीजिए।
तो या होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।